अपनी जीत का तू इतना भी गुमान न कर रहे ऋषभ पंत, क्योंकि तेरे अर्धशतक तेरी जीत से ज्यादा माही के छक्के चौकों के चर्चे हैं। जी हां, मैच भले ही दिल्ली ने जीता लेकिन दिल जो है वो माही जीत गया। इट वॉज MSD शो, महानतम सर्वश्रेष्ठ धोनी, वो धोनी जिसे 20 साल पहले तकरीबन हम सब ने लंबे बालों में छक्के मारते देखा था और हम सब सीटी मार कर अपने अपने घरों में कहते थे अरे जल्दी आओ टीवी के सामने बैठो क्योंकि माही मार रहा है। माही सालों बाद फिर बल्लेबाजी करने आए। पहली बार ऐसा हुआ था उनके करियर में कि 3-3 पारी तक उनकी बल्लेबाजी नहीं आई थी, लेकिन इस बार जब महेंद्र सिंह धोनी लौटे तो क्या खूब लौटे। पहली 5 बॉलों में जो 16 रन पड़े थे ना और वो छक्का मारा, तो ये एहसास हो गया था कि इस माही में बहुत जान बाकी है। नॉस्टैल्जिया में हम चले गए थे क्योंकि धोनी जब अपने बालों को बढ़ा रहे थे तब सब ने कहा कि यार लुक वही हो गया है, बस बल्ला भी एक बार वैसे चल जाए, भाड़ में जाए मैच, भाड़ में जाए दुनियादारी, हम तो बस माही को देखकर खुश हो लेंगे। 16 बॉल, 37 रन, 4 चौके और 3 छक्के, और ये उस आदमी की कहानी है जो बीते साल 1-2 बॉल खेलकर लौट जा रहा था। ये उस आदमी की कहानी है जो साल में 6 महीना खेती करता है, 1 महीना प्रैक्टिस करता है और अब बल्लेबाजी ऐसे कर रहा है कि मानो वर्ल्ड कप में वो भी ऑडिशन दे रहा हो कि भैया इस बार वर्ल्ड कप में तुम्हारे पास लोअर मिडिल ऑर्डर में कोई फिनिशर नहीं है, पाकिस्तान में तमाम रिटायर हो रहे हैं, हमको तुम रख लो, हम खेल सकते हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने आज जब लगभग हारे हुए मैच में बल्ला थामा तो पहली बॉल पर चौका जड़ दिया, दूसरी बॉल पर सिंगल लिया, फिर आए, फिर चौका जड़ा, फिर सिंगल लिया, उसके बाद एक शानदार छक्का मारा, फिर कुछ बॉल ऐसी गई जो बैट पर तो एकदम गोली की रफ्तार से निकली लेकिन फील्डर्स ने पकड़ ली, लेकिन फिर आया वो नौके का आखिरी ओवर। वो गेंदबाज साउथ अफ्रीकन जो 150 की रफ्तार से गेंदबाजी करता है, धोनी ने मार मार के भूसा भर दिया। वो चौका, उसके बाद वो सिंगल हैंड छक्का, इस मैच में ऋषभ पंत ने भी सिंगल हैंड छक्का मारा था और चर्चाएं बड़ी हुई थी कि बाबू जो चेला है वो गुरु से कहीं आगे तो नहीं निकल गया या गुरु कहीं बूढ़ा तो नहीं हो गया। उन्होंने कहा धोनी ने, बुढ़ा होगा तेरा बाप, नाम है हमारा धोनी। वो छक्का जो सिंगल हैंड मारा भाई साहब, कसम से कह रहे हैं जो तालियां, जो माहौल, जो उस वक्त फीलिंग आई थी उसे शब्दों में हम बयां नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद फिर जडेजा ने भी कहा भाई हमको बैटिंग नहीं करनी सर, हमको किनारे खड़े होकर इसका मजा लेना है, क्योंकि ये वो दृश्य है जिसे हम सालों बाद भी लोगों को बताएंगे कि 42 साल की उम्र में धोनी ऐसा छक्का मार रहा था। धोनी ने छक्का मारा, फिर डॉट किया, फिर चौका मारा, फिर डॉट किया और आखिरी बॉल पर जब मैच समाप्त हो रहा था तो फिर छक्का मारा। जो गेंदबाज छक्का खा रहा था वो भी मुस्कुरा रहा था, विकेटकीपर ऋषभ पंत वो भी मुस्कुरा रहे थे, जडेजा भी मुस्कुरा रहे थे और देश दुनिया में जहां पर चाहे दिल्ली के समर्थक थे या आपके CSK के समर्थक थे वो भी मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि लंबे बालों वाले धोनी को छक्के मारते देखना और वही 20 अंदाज में देखना, 20 साल के बाद देखना, ये नॉस्टैल्जिया है यार। आसान थोड़ी है, 6 महीने खेती ये आदमी करता है, 1 महीना प्रैक्टिस करता है और उसके बाद आकर 42 साल की उम्र में 231 के स्ट्राइक रेट से मारता है, तो आप इसे फिनिशर की दुनिया का गोट तो कह सकते हैं, ऑल टाइम ग्रेटेस्ट, ऑल टाइम ग्रेटेस्ट। वैसे धोनी ने बताया था कि उनमें दम बाकी है क्योंकि बीते मैच में जब वो 2.27 मीटर की डाइव लगाकर कैच पकड़े थे तब भी दुनिया पागल हो गई थी, दुनिया दीवानी हो गई धोनी की यार कि 20 साल बाद भी आदमी इतना बेहतरीन कैच पकड़ सकता है, तब भी सवाल शुरू हुए थे। लेकिन इस बार धोनी की बल्लेबाजी जो है, मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसी बल्लेबाजी है कि वो T20 स्क्वाड के लिए मान लो अपना भी ऑडिशन दे रहे थे कि हमको मत भूलिएगा, आपके लड़के नहीं चल रहे हैं, आपके पास 6-7 नंबर पर कोई फिनिशर नहीं है, हमको रख लीजिए, एक्सपीरियंस भी हमारा है, कप्तान भी हम है और बैटिंग भी हमारी ऐसी कि आप हमको रख सकते हैं। CSK ये मैच भले ही हार गया हो लेकिन ये पूरा मैच एक तरफ और वो आखिर के 15 मिनट एक तरफ, क्योंकि धोनी जब आए तो 128 dB साउंड था, धोनी धोनी धोनी, और ये विराट के आने से ज्यादा साउंड था क्योंकि विराट जब आए थे तो 125 dB था, लेकिन इस बार सारे रिकॉर्ड टूट गए। दुनिया में हर इंसान जो है वो वापस चर्चा करने लगा। वैसे IPL की यह खूबसूरती है क्योंकि IPL में ही आपको देखने को मिल सकता है, वो जो नौके के बॉल पर सिंगल हाथ छक्का था, वो जो क्लासिक कवर ड्राइव थी, वो जो धोनी की स्टाइल थी, वो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और ये मैच, ये दिल, ये सब कुछ जो है एक तरफ, धोनी की बल्लेबाजी एक तरफ। धोनी ने इस मैच में रिकॉर्ड ही बनाया, पहले साउथ एशियन प्लेयर बने जिन्होंने 7,000 रन T20 क्रिकेट में पूरे किए। धोनी फिनिशर्स की दुनिया में गोट हैं, अनडाउटेडली गोट हैं, वो IPL को चलाते हैं,
धोनी जब आए तो पहली तीन बॉल पर ही दो चौका मार दिया था। वैसे ये वही मैदान है, आपको बता दें, इसी मैदान पर धोनी ने अपना पहला शतक लगाया था। इसी मैदान पर उन्होंने पहली बार पाकिस्तान के सामने जब शतक मारा था लंबे बालों में, तब दुनिया ने जाना था कि कोई आया है महान शानदार धोनी, कोई ऐसा इंसान जो कमाल कर सकता है। और 2005 के बाद अब जब हम और आप 2024 में बैठे हैं, तब भी वही नॉस्टैल्जिया चल रहा है। गजब यार, नौके के आखिरी ओवर में 20 रन, कमाल का मैच। पहली बॉल चौका, दूसरी बॉल सिंगल, तीसरी बॉल चौका, चौथी बॉल सिंगल, फिर छक्का, उसके बाद कुछ डॉट, फिर सिंगल, चौका, छक्का, डॉट, चौका, डॉट, छक्का। कमाल धोनी, 16 बॉल 37 रन, 4 चौके 3 छक्के। दिल्ली कैपिटल्स ने कहने को हरा दिया है सीएसके को, लेकिन ये मैच धोनी के नाम रहा। इस मैच को हम और आप लंबे अरसे तक याद रखेंगे, क्योंकि जो धोनी ने यहां किया है उसके बाद प्रशंसकों को कुछ और नहीं चाहिए। इसी मोमेंट्स को जीने के लिए हम और आप मैच देख रहे थे, और ये मोमेंट जो है हमारी आपकी स्मृतियों में सालों साल रहने लगेगा। बड़े समय बाद, जैसा मैंने आपको बताया कि धोनी को 3 मैच बैटिंग नहीं मिली थी, और धोनी इंडिया में जज्बात है। ये जो स्टेटमेंट है ना कि माही मार रहा है, ये एक इमोशन है, और इस इमोशन को वो समझते हैं जो इंडियन क्रिकेट को फॉलो करते हैं। महेंद्र दे धनाधन धोनी, ऋषभ पंत का सिंगल हैंड छक्का, महेंद्र सिंह धोनी का 42 साल की उम्र में सिंगल हैंड छक्का। धोनी के प्रशंसक हर उम्र हर वर्ग में, तमाम चचा लोग, तमाम बच्चे लोग, सब आज धोनी धोनी का पोस्टर लेकर पहुंचे थे, और धोनी ने किसी को निराश नहीं किया। जिस तरह की वो फिनिशर है, हम कह सकते हैं कि वो एवरग्रीन फिनिशर है, दुनिया के सबसे शानदार फिनिशर है। और इस आईपीएल में जब वो पहला छक्का उन्होंने मारा, या जो उनके एंट्री पर जिस तरह से तालियां बजी, यकीन मानिए हम और आप कह सकते हैं कि धोनी अभी कई साल खेल सकते हैं। धोनी चाहे तो धोनी वर्ल्ड कप का भी हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि 42 साल की उम्र में धोनी के अंदर वो बात है जो तमाम लौंडों में 15, 28, 20, 24, 26 में नजर नहीं आती है। इट वॉज अ धोनी विंटेज शो। सारा मैच एक तरफ, महेंद्र सिंह धोनी की पारी एक तरफ, कमाल का मैच है। और अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आज शब्द कम पड़ जा रहे हैं। अद्भुत, अविश्वसनीय, अवर्णनीय वो लम्हा था जब DMSD शो हमें आपको देखने और जीने का मौका मिला। आपके क्या इमोशंस थे? क्या आपको गूज़बम्प आ रहे थे? बताइए कमेंट सेक्शन में अपने इमोशंस को, जो आप क्या रहे थे।